मेरे हाथ में भी है कि दिल है क्या, जबकि मस्नूई दिल फरोग पा रहे हैं मरवजोर। मेरा ख्याल ये है कि मस्नूई दिल हो या असली दिल हो, दिल की कैफियत एक पूरे साइकोलॉजिकल टेंपर के लिए इस्तेमाल की हुई है। आज से बहुत पहले की बात है कि साइंसदानों ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि छोटा सा जो लोथड़ा है इंसान के दिल के, इंसान के सीने में, इसमें सोच वोच नहीं है, एक सिंपल गोश्त का टुकड़ा है और इसमें किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है। और लोग गलत कहते हैं कि दिल सोचता है, दिल भागता है, दिल डरता है, दिल ये करता है, तो ये गलतुल आवाम है, इसमें सदाकत नहीं। मगर आज की रिसर्चेस को डिफरेंट हो गई हैं और साल्स एक्सपेरिमेंट जो हुए थे उसमें उस साइंसदान ने बड़ी वजाहत से कहा कि माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब मैं आसमान के में कौसो कजा के रंग देखता हूँ तो मेरा दिल हुमक जाता है, उछल जाता है, हुमक जाता है। तो उसमें उन्होंने रिसर्च की कि ये ठीक है, दिल वाकई सोचता है, मगर इसके सिग्नल्स ब्लाइंड है, इसके पास लैंग्वेज नहीं है। ये एहसास की एक ऐसी रिफाइनमेंट कि सबसे पहला शौक हर चीज का और हर लफ्ज का और हर शय का दिल पे होता है। दिल फिर हाफ ए सेकंड में सिग्नल्स दिमाग को भेजता, जब वो सिग्नल्स दिमाग को भेजते हैं तो उस कैफियत को दिमाग लफ्ज देता है, लिबास देता है, रंग देता है, कलर देता है। वजह सिर्फ इतनी है कि दिमाग कंप्यूटर है और सिग्नल दिल से जाता है। दिमाग के पास एज सच कोई सलाहियत ऐसी नहीं है, वो सिर्फ डाटा वर्कआउट करता है, जो सॉल्यूशंस निकालता है अपने डेटा की बेसिस पर निकालता है, मगर दिल ओरिजिनल एहसास का मालिक है, फर्स्ट फीलिंग का मालिक है, विच इट कन्वेज टू द माइंड इन हाफ ए सेकेंड। इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद दिल ही मालिक कायनात निकल आए और इंसान का ये जो तजाद है लफ्जी और मानवी ये ख़त्म हो जाए। मगर एक बात कन्फर्म्ड है कि दिमाग के पास सवाए डाटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, तो कोई दिमाग सवाल का जवाब नहीं दे सकता जब तक कि उसने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी ना हो, कि वो दिमाग आज खुद कोई डाटा कलेक्ट करके वो जवाब नहीं दे सकता, अपने अंदर से सोचकर जो उसके मुताले में या उसके मुताले के केमिकल प्रोसेसेस में नहीं आया हुआ। मगर दिल ओरिजिनल फीलिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट लव कहते हैं, ये दिल की ओरिजिनल फीलिंग, ये एहसास मोहब्बत का पैदा हो जाना किसी के लिए इंडिविजुअल है, इनफरादी है और फर्स्ट टेंपर है दिल का, और इसका किसी और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता।